अब पोष मास की पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन पूर्वोक्त विधि से ही इस यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा, यह सोच सोच कर पितर दुखी होते रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए, ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन हम लोग विश्वे देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से पांचवें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वे देवगण यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करो, महाराज केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरण में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन पुत्रदा नामक उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। श्री गिरिराज धरण की जय।